हेलो गाइस, तो कल हवन हो गया था, इनफैक्ट डिनर भी हो गया। अभी एक दिन का हम लोग ने स्टे थोड़ा और एक्सटेंड किया था। कल हम लोग यहाँ से दिल्ली के लिए निकलेंगे, तो आज हम लोग थोड़ा बहुत लखनऊ घूम रहे हैं। अभी हम इमामबाड़ा, अगर टाइम से पहुँच गए तो हम इमामबाड़ा जाएंगे और देखते हैं और कहाँ कहाँ जा पाते हैं, जिस हिसाब से टाइम अलाउ करेगा। तो मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, विनय, मैं और मेरे जो शोभित चाचा हैं वो हम लोग बस निकल रहे हैं। और ये देखिए मेरी गाड़ी तैयार है, so, hey guys. ये और हम लोग निकल रहे हैं बस। नहीं नहीं, आप अकेले जाओ। हाँ, पानी दो गिलास। ये देखिए गाइस, ये इस तरीके से तैयारी होती है घूमने जाने की। और बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, शोभित को रास्ते में से पिक करेंगे और उसके बाद फिर हम इमामबाड़ा जाएंगे। जा रहे हैं, पहले शोभित को पिक करेंगे। हाँ, हम पहले शोभित को पिक करेंगे, चाचा जी को, चाचा जी को, तुम्हारे चाचा ससुर को, और उसके बाद फिर हम शोभित एक्चुअली गोमती नगर में विवेकखंड में रहता है यहाँ पे, तो हम बस उसको पिक करने आए हैं। ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं। ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का, एक छोटा सा ये रेस्टोरेंट है। हाँ, इसी के पीछे ये एक डिब्बे का रेस्टोरेंट बना दिया, इसके पीछे रेलवे स्टेशन है। हाँ, हमें सीधे चलना है। ये रेलवे स्टेशन नहीं था पहले? हाँ हाँ हाँ, पहले क्या, अभी भी है, यहाँ से भी 2-3 ट्रेनें चलती हैं। क्या बात कर रहे हो यार, मुझे लगा सिर्फ रेस्टोरेंट है ये। ना ना ना, ये वाली है। हाँ, खड़ा तो है। ये देखो गाइस, हमारे चाचा जी। चाचा जी, चाचा जी प्रणाम। राम प्रणाम। क्या हुआ? तो फाइनली हमारे चाचा जी आ गए हैं। चाची प्रणाम। तो चाचा जी कहाँ जा रहे हैं हम? बताओ कहाँ चलना हो। अरे ये क्या बात हुई, पापा चलो फटाफट चलो इमामबाड़ा। ठीक है, लेट हो जाएंगे इस कंड में। तो हम जा रहे हैं इमामबाड़ा और देखते हैं। मैं पहली बार जा रहा हूँ। खैर प्रियंका तो पहले गई हुई होगी। जा चुके तुम? हाँ, तो मैं पहली बार जा रहा हूँ। स्कूल की तरफ से हट, उसे उसे नहीं गिनते। दोस्तों इमामबाड़ा आ गए हैं और भीड़ है थोड़ी बहुत, और बाकी देखने के लिए कुछ है साथ में। शोभित चाचा जी आए हमारे, वो बता रहे हैं हमारे इसकी हिस्ट्री के बारे में और काफी इंटरेस्ट लेकर हम सुन भी रहे हैं, थोड़ा मजा आ रहा है। और ये देखिए, टिकटॉक का वीडियो बनाते हुए चले जाने पर कैमरा हो या मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा और यह है पूरा इमामबाड़ा, उसके ऊपर भूल भुलैया है। और बस अभी थोड़ा सा और घूमते हैं, देखते हैं और क्या मिलता है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं भूल भुलैया में, ये दिखाते हैं आपको।
दोस्तों, इमामबाड़ा हम घूम लिए हैं, घर की तरफ निकल गए हैं और पापा मम्मी को वहां पर ड्रॉप करेंगे प्रियंका के घर पे। उसके बाद हम जाएंगे कुछ चटपने करने के लिए। कहाँ जाएंगे उसके बाद हम? शोभित जल्दी बताओ चाचा जी। पता नहीं, 1090 देखते हैं, 1090 जाएंगे चटोरी गली। आपने सुना ही होगा ऑब्वियसली, लखनऊ की बहुत फेमस जगह है, तो वहीं जाते हैं। क्या इंस्टा फेमस? राइट, इंस्टा फेमस। और क्योंकि क्या क्या, जो हमारे चाचा जी हैं शोभित, उनकी वहाँ पर एक कोरियन आंटी की एक दुकान है, जो कि वहाँ के इनको कोरियन कौन से नूडल्स बहुत पसंद है, कोरियन कौन से थे वाले नूडल्स जो बहुत पसंद आए थे, आंख खान से धुएं निकाल दिए थे उसने, रोमन नूडल्स ऐसी कुछ करके, रैमन नूडल्स। हमारे चाची को उस कोरियन आंटी के रैमन नूडल्स बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत स्पाइसी होते हैं। और जब आप बोलोगे स्पाइसी बहुत ज्यादा है, तो वो बोलेगी कोई बात नहीं, मैं चीज डाल देते हैं। चीज डाल के हर एक चीज में चीज डाल दो तो वो सही हो जाती है, क्यों प्रियंका? तो बस वही जाते हैं। आंटी बहुत चीजी थी। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे जब हम छटोरी के लिए जाएंगे। टिल देन बाय बाय। सो हे गाइस, फाइनली पहुंच गए हम छटोरी गली। चाचा जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, और ये हमारी वाइट ब्यूटी और उसके पीछे हमारी ब्लैक ब्यूटी। और आपको दिखाते हैं छटोरी गली, पार्किंग से निकल रहे हैं हम। नहीं तो पी के बताओ तो सही, कैसी है? है फील इसमें? हाँ, इलायची का फ्लेवर है और इसमें तंदूर का फ्लेवर है। उसको तंदूर, इसमें क्योंकि वो अदरक नहीं है इसमें, इसमें क्योंकि वो डालते हैं कुल्हड़ गरम करके तंदूर में, तो उसकी वजह से इसमें तंदूर का फ्लेवर है प्रॉपर। बाकी चाय में वैसे मसाला नहीं है, बट हाँ इलायची का फ्लेवर है। चाय से कुछ हटके कुछ लग रहा है ना इसमें, हल्का सा तो फील आ रहा होगा। फ्लेवर है ना, तो उसका है, उसका तंदूरी फ्लेवर वाला टच। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ पर है खाने के लिए? पिज्जा। हाय गाइस, सो हम हैं द बेसिल हाउस में पिज्जा खाने के लिए। तो हमने अभी, हम एक बार डिसाइड नहीं कर पा रहे एक्चुअली कि हमें कौन सा पिज्जा खाना है। हाय गाइस, सो हम हैं अभी द बेसिल हाउस पिज्जा में और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा पिज्जा खाना है। भैया कौन सा पिज्जा खा सकते हैं हम, जो आपका मतलब सबसे बेस्ट हो? आप सिग्नेचर एग्जॉक्ट ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? इसमें अनियन, स्वीट कॉर्न, ब्लैक ऑलिव, रेड पेपरिका, चिलीज। हम 10 इंच ले लेते हैं कि कितने स्लाइसेस आ जाएंगे 10 इंच में? 6 हो जाएंगे मैम। 6 हो जाएंगे ना। ओके, तो हम सिग्नेचर एग्जॉटिका 10 इंच। ओके देन, चलिए हो गया है। उसके अलावा फिर देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर पेमेंट करके हम निकलते हैं और फिर मार्केट। इंस्टाग्राम और आईडी जब बेस
सिंसिल हाउस करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और आप जब भी लखनऊ आएंगे तो आपको मस्ट ट्राई है, एक बार ट्राई करना है, क्योंकि हम एक बार ट्राई ऑलरेडी कर चुके थे। यहाँ का पिज्जा बहुत बहुत टेस्टी है, राइट। हम यहाँ पे पहले भी आए थे बट हम इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रहे थे, तो अब हमने ये सिग्नेचर एक्सोटिका ट्राई किया है। ये इसमें टॉपिंग्स बहुत सारी हैं। तो क्या पैक हो रहा है? पनीर टिक्का। हाँ, पनीर टिक्का। एक्चुअली घर वालों ने फोन करा था कि उनको जो भी मन करे तो उनके लिए हम ले आए। तो हम क्या लेने जा रहे हैं? एक तो यार कसम से यहाँ पर ठंड के बारे में एकदम भूला आलू हुआ पड़ा है। नेपाली गाना बज रहा है, नेपाली वाली गाना है। हाँ, मोमोज खाएंगे अब और कहाँ से मोमो शेफ नहीं द हंग्री मोमो कैफे सो गाइज हम चटोरी गली से निकल चुके हैं और हमने काफी खा भी लिया है और पैक भी कराया है घर वालों के लिए। हाँ, हम ठूस चुके हैं। चटोरी गली समवॉट लाइक अ इंस्टा फेमस रोड फॉर स्ट्रीट फूड, तो हर कोई आना चाहता है जो भी लखनऊ आता है यहाँ पे, और लखनऊ वाले भी बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं चटोरी गली को। I know you're scared, you wanna hide away sometimes.